अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सैयद इमरान और आज है 27 मार्च 2020, यानी कि लॉकडाउन का तीसरा दिन। गाइस, वीडियो के टाइटल से तो अब तक आप ये बात समझ चुके होंगे कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। डू समथिंग प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। मैं आपको कुछ ऐसे ही चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो के अंदर आगे जिसमें आपको महसूस होगा कि ये लॉकडाउन पीरियड जो है आपके लिए कोई लॉस नहीं है, किसी किस्म का प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है, बल्कि हाउ दिस पीरियड इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, कैसा आप इस वक्त का फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या क्या है जो आप इस लॉकडाउन पीरियड में कर सकते हैं, विच विल बी इवेंचुअली अलॉट एंड अलॉट बेनिफिशियल, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये लॉकडाउन पीरियड। वीडियो में बने रहिए और आगे मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस वक्त में। सो सबसे पहली चीज़ जो आप इस वक्त में कर सकते हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में कर सकते हैं, वो है रीडिंग बुक्स, रीड मोर बुक्स। काफ़ी लोगों को पढ़ने का शौक़ होता है, मगर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या वर्कलोड या वर्क प्रेशर की वजह से उनको टाइम नहीं मिलता और वो किताबें नहीं पढ़ पाते। सो दिस इज़ अ गुड टाइम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। यू आर एट होम और आपके पास अब करने को अगर कुछ नहीं है तो यू कैन रीड दोज बुक्स जो आप हमेशा से पढ़ना चाहते थे। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इन दिस पीरियड इज़ लर्न कुकिंग। आप खाना बनाना सीखिए। बहुत लोगों को ख्वाहिश होती है मगर वो नहीं बना पाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। एंड दिस टाइम एटलीस्ट यू कैन एटलीस्ट टू गिव रेस्ट टू योर लाइफ पार्टनर्स, टू योर सोलमेट्स, उनको थोड़ा आराम दीजिए, आप बनाइए। इट विल बी न्यू एक्सपेरिमेंट एंड न्यू लर्निंग प्रोसीजर फॉर यू। सो स्टार्ट कुकिंग एंड लर्न कुकिंग। तीसरी चीज़ मेरे जहन में आ रही है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, ये आई डोंट नो 21 डेज तो कहा गया है, विल दिस एक्सटेंड आई डोंट नो, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कैन गो ऑन टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। आई एम श्योर नोबडी वुड हैव थॉट ऑफ दैट, बट definitely you can learn new languages, you can explore your own regional languages. Like maine decide kiya hai ki main aane wale kuch dinon mein jis lockdown period hai usme ye seekhunga. I will try to learn Kannada, which is my state's own regional language. So aap apne state ki regional languages seekhiye, ya agar kisi ko apni regional language aati hai, you can focus more on English. English is an international language and I think you should focus on English as well. You can learn during this lockdown period. आई डोंट नो ये लॉकडाउन पीरियड कितना चलेगा, 21 दिन तो बोला गया है। आई थिंक दिस माइट एक्सटेंड बिकॉज ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द कोरोना, नोवल कोरोना वायरस। सो हाउ लॉन्ग इट इज़ नो मैटर दैट, यू हैव इनफ टाइम, आप नई लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। माई सेल्फ ऑन द अदर हैंड, आई हैव डिसाइडेड कि मैं सीखूँगा नए सूरे, सीखूँगा कुरान, पढ़ूँगा नमाजों का पाबंद बनूँगा, विच आई थिंक एज अ मुस्लिम यू टू शुड परफॉर्म एंड शुड डू। लर्न न्यू सूरज, दिस इज टाइम, लर्न न्यू दुआज and try and read more Quran, namazein padhiye, Quran padhiye, and not just about Islam, even non-Muslims, if you're a Christian you can read Bible with the translated version, if you are a non-Muslim, if you're a Hindu you can read Ved, there are 4 types of Ved, whatever it is, it's time out, take some time out, learn your own religion more deeply with the translated version. You have time, there's nothing else you can do now, aur kuch karne ko nahi hai, to apni scriptures ke translated versions padhiye. You'll get to learn a lot of new things. One more thing that I can suggest during this period is start gymming. Gym ke liye zaruri nahi hai that you have to go to a gym and do the gymming. You can do gym at your home. Kaafi sari basic exercises hain, which is pull-ups, push-ups and squats, sit-ups. Kaafi sari hai that you can do sitting at home to at least keep yourself fit. You know, jumps. There are a lot of videos on the other YouTube channels that you can watch, that things you can do without having the proper machinery of gymming, sitting at home you can do. So subah 1 ghanta, sham 1 ghanta, you can be more fit just to make yourself physical fit. Doing something is better than doing nothing, imagine. So you can start gymming in my opinion at home. And one more thing that I would like to add to this is ki kafi sare log, jaise ye shops, kirana shops khul rahe hain, to kafi sare log kirana ka saman stock kar rahe hain, laake food items, food materials stock kar rahe hain laake, so that jab tak ye lockdown hai they can have those materials with them. Isse aapka bhi nuksan hoga aur zyada tar to uska nuksan hoga jiso iski cheez, is cheez ki zarurat hogi aur aapne kyunki stock kar liya hoga to usko nahi milega. To aap stock mat kijiye, jitna aapke paas hai उसी को कम यूटिलाइज कीजिए, कम खाइए, अपने फूड हैबिट्स को मिनिमाइज कीजिए, कम से कम खाइए. दिस विल बेनिफिट योर ओन बॉडी इन द लॉन्ग रन. जो जिम कर रहे हैं आप, वो जिम का असर होगा उसके आपके बॉडी के ऊपर. आप जब कम खाएंगे तो आपके पास जितना स्टॉक है उसी को लंबा चलाइए, मगर ज़्यादा स्टॉक खाने का मत कीजिए. एंड लास्टली, दिस लॉकडाउन पीरियड इसलिए अच्छा है क्योंकि इस वक्त में हम टाइम दे सकते हैं अपनी फैमिली को.
अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने सोलमेट्स को, अपने बच्चों को हम टाइम दे सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उनके दुख दर्द अच्छे से बांट सकते हैं, दिन भर उनके साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं. दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन माई ओपिनियन दैट वन कैन डू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. क्योंकि ये कभी ना कभी जब ख़त्म होगा, यू विल बी बैक इन योर रूटीन एंड अगेन दिस विल ऑलवेज बी द थिंग विच विल बी मिस्ड फ्रॉम योर लाइफ. सो इन्जॉय टाइम विद फैमिली एंड हैव द बेस्ट टाइम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन यू कैन डू and this will eventually feel you benefited. आपको फ़ायदा होगा इस lockdown period का और शायद eventually जब ये ख़त्म होगा तो ऐसा हो कि आपको महसूस हो कि ये क्यों ख़त्म हुआ, because you were enjoying your life doing those things which you had never done before and which you always wanted to do in your lives. तो अगर आपको मेरे कुछ productive ideas पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस आइडियाज़ को शेयर कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि ये लॉकडाउन का पीरियड कितना बेनिफिशियल हम बना सकते हैं. प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इमरान काका. थैंक यू.